गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे जवर में आहार व्यवस्था। जवर में आहार व्यवस्था, जवर मतलब बुखार होना। क्या होता है बुखार में कि हमारे शरीर का जो है तापमान, शारीरिक तापमान बढ़ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शारीरिक तापमान के बढ़ने को हम क्या कह देते हैं, बुखार कह देते हैं या जवर कह देते हैं। तो किसी भी प्रकार का जवर होने का मुख्य कारण होता है कि उस जवर के जीवाणुओं का शरीर में प्रवेश करना, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि शारीरिक तत्वों की टूट फूट भी होती है और शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। तो जवर क्या होता है, हम देखते हैं कि जब शरीर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा, निष्कासित जो होती है ऊष्मा, उसकी मात्रा से अगर अधिक हो जाए तो शरीर का तापमान जो है सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाता है और इस स्थिति को जवर कहते हैं। क्या कहते हैं, जवर क्या होता है कि जब शरीर के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा जो निकलती है वो जो है निष्कासित ऊष्मा की मात्रा से अधिक हो जाती है तो शरीर का तापमान जो है सामान्य से बढ़ने को जो है जवर कहा जाता है, मतलब बुखार कहा जाता है। जबर जो होता है मतलब अपने आप में कोई रोग नहीं होता, परंतु किसी विशेष रोग के लक्षण हो सकता है। अब हम देखते हैं कि जबर के प्रकार, मतलब जबर कितने प्रकार का होता है, बुखार कितनी तरह का होता है। तो नंबर एक है तीव्र या अल्पकालीन। तीव्र अल्पकालीन का मतलब थोड़े समय के लिए जो जबर रहता है, बुखार रहता है, लेकिन एकदम से तेज हो जाता है ये बुखार, इसको बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन फीवर। दूसरा होता है क्रॉनिक या दीर्घकालीन जबर, जो लंबे समय तक रहता है लेकिन बहुत तेज बुखार नहीं होता है इसके अंदर। और तीसरा होता है अंतरकालीन जबर, मतलब इंटरवल के बाद कि थोड़ा एक बार ठीक हो गया, थोड़ा फिर दोबारा से बुखार हो गया, तो इस तरह का जो बुखार होता है वो मलेरिया बुखार होता है। अब हम देखते हैं कि जो तीव्र या अल्पकालीन जबर को बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन फीवर, इसमें जो होता है टाइफाइड हो सकता है, फ्लू है, या सर्दी लग के जो बुखार होता है, निमोनिया हो जाता है, खांसी है, खसरा है, इन्फ्लुएंजा, टॉन्सिल, ये जो है इस तरह के जो अल्पकालीन जबर के उदाहरण हैं। और ये मतलब ज़्यादा टाइम, लंबे टाइम तक नहीं रहता, 2-4 हफ्ते तक रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। और कई बार क्या होता है कि 40.6 डिग्री सेल्सियस से लेकर ये जो है 41.1 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, यानी कि 105 से 106 डिग्री फारेनहाइट तक बुखार हो जाता है इसमें। दूसरा है क्रॉनिक या दीर्घकालीन जबर, ये जो है लंबे समय का जबर होता है, इसमें जो बुखार अधिक समय तक रहता है, परंतु इसका जो तापक्रम होता है ना वो ज़्यादा नहीं होता, मतलब धीरे धीरे पता नहीं चलता रोगी को कितना, थोड़े थोड़े मतलब हरकत सी रहती रहे शरीर के अंदर होती रहती है और लंबे टाइम तक चलता है, मतलब बहुत तेज बुखार नहीं होता इसके अंदर। तो इसको लंबे समय का जबर या क्रॉनिक या दीर्घकालीन जबर भी कहते हैं, या लॉन्ग ड्यूरेशन फीवर कहते हैं। तो इसमें जैसे टीबी रोग है, जिसे अक्षय रोग भी बोलते हैं, तो इसमें जो है लंबे टाइम तक अगर किसी को बुखार हो जाए तो इसलिए कहते हैं कि मतलब टीबी होने का खतरा रहता है, तो इसमें जाँच करवानी चाहिए हमें। तीसरा है अंतरकालीन जबर, ये इसमें जैसे मलेरिया होता है कि एक बार ठीक हो गया, फिर दोबारा थोड़ी देर बाद बुखार हो गया, फिर ठीक हो गया, फिर, तो इस तरह के जबर को बोलते हैं अंतरकालीन जबर। तो अब आप समझे कि मतलब जबर जो है कितने प्रकार का होता है, तीन तरह का होता है। पहला है तीव्र या अल्पकालीन जबर, मतलब कम समय का जबर। दूसरा है क्रॉनिक या दीर्घकालीन जबर, और तीसरा है अंतरकालीन जबर। अब हम देखते हैं कि जबर की स्थिति में जो है क्या क्या शरीर के अंदर हमारे परिवर्तन होता है। तो जब शरीर में मतलब जबर होता है, बुखार होता है, तो चयापचय की क्रिया जो है वो बढ़ जाती है, और उसके बढ़ने से जो है शरीर में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जिससे जो है रोगी के जो है पोषण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि चयापचय की दर बढ़ना, शरीर के अंदर जो है चयापचय की दर बढ़ जाती है, और 1 डिग्री फारेनहाइट अगर मतलब शरीर का तापमान बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि 7% जो है चयापचय की दर बढ़ जाती है। दूसरा है ऊर्जा उत्पत्ति के कारण जो है शारीरिक जो ग्लाइकोजन का भंडार है वो घटता जाता है। तीसरा है कि प्रोटीन का चयापचय बढ़ने से जो यूरिया के निष्कासन के लिए हमारे शरीर के गुर्दों को जो है अधिक कार्य करना पड़ता है। और शरीर में जल का व्यय जो है बहुत तेज गति से होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस टाइम जो है व्यर्थ के पदार्थों का जो निष्कासन के साथ होता है, या शरीर में जो बुखार होने के कारण, अधिक पसीना आने के कारण भी जो है शरीर में जल की कमी हो जाती है। और शरीर में जल की कमी के कारण क्या है कि जब पसीना निकलता है तो उसके साथ पोटेशियम और सोडियम के जो लवण होते हैं वो भी ज़्यादा निष्कासित हो जाते हैं, मतलब हमारे शरीर के अंदर खनिज लवणों की कमी भी हो जाती है। हमारे जो है पाचन संस्थान की जो गतिशीलता वो भी कम हो जाती है,
तो क्या होता है कि जो पौष्टिक तत्व हम ग्रहण करते हैं वो पूर्ण रूप से हमारा शरीर जो है उन्हें अवशोषित नहीं कर पाता। इससे हमें जो है जो पौष्टिक तत्व मिलने चाहिए शरीर को वो नहीं मिल पाते, जो ऊर्जा प्रोटीन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो इसका जो है जब बुखार होता है तो पाचन संस्थान के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं कि ज्वर की स्थिति में क्या क्या आहार चिकित्सा करनी चाहिए, कि किस तरह का आहार की जरूरत होती है, कितनी ऊर्जा प्रोटीन कैल्शियम खनिज लवण वसा इनकी कितनी कितनी जरूरत होती है वो देखते हैं। कि डाइटरी ट्रीटमेंट ड्यूरिंग फीवर, तो सबसे पहले ऊर्जा। तो ऊर्जा जो है अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है तो 7% जो है चयापचय की दर बढ़ने के कारण जो है रोगी की ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। और ज्वर की ऐसी स्थिति में जब ताप अधिक हो तथा जो ऊतकों के नष्ट होने की गति अगर अधिक हो तो कैलोरी की आवश्यकता जो है 50% बढ़ जाती है। रोगी की ऊर्जा की आवश्यकता जो है शरीर के ताप पर निर्भर करती है, कि किसी को बहुत तेज बुखार है तो ज़्यादा आवश्यकता होगी और अगर कम है तो कम आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है प्रोटीन। तो प्रोटीन की आवश्यकता जो है अल्प अवधि के जो ज्वर होते हैं उसमें ज़्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन जो लंबी अवधि के ज्वर होते हैं, लंबी अवधि का बुखार होता है जो लंबे टाइम तक चलता है, तो उसमें जो है शरीर के तंतुओं की टूट फूट ज़्यादा होने के कारण प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। और जैसे टाइफाइड का अगर कोई रोगी है तो उसको 70 से 100 ग्राम डेली प्रोटीन की आवश्यकता देनी चाहिए, ताकि उसके जो तंतुओं की टूट फूट होती है वो उनकी पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट है कार्बोज। कार्बोज जब बुखार की स्थिति में या ज्वर की स्थिति में रोगी के शरीर के जो है ग्लाइकोजन जो है उसका भंडार जो है घट जाता है, और इसकी पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, चीनी ग्लूकोज शहद जैसे जो पदार्थ हैं वो ज़्यादा मात्रा में देने चाहिए, ताकि जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रोगी के शरीर में पूरी की जा सके। नेक्स्ट है वसा। वसा हमें रोगी को ऐसी देनी चाहिए जो मतलब रोगी की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसी वसा देनी चाहिए जो सरलता से उसको पच सके, मतलब सरलता से पचने वाले वसायुक्त पदार्थ देने चाहिए, तले हुए भोज्य पदार्थ उनको नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे जो है पाचन सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और वो मतलब उनको हजम नहीं कर पाता जो तले हुए ज़्यादा बासी है या ज़्यादा भारी जो भोजन होते हैं उनको। तो हमें दूध है या मक्खन है या क्रीम है, इस तरह से जो जल्दी पचने वाले वसायुक्त पदार्थ है वो देने चाहिए। नेक्स्ट है खनिज लवण। ज्वर के कारण क्या होता है कि शरीर के अंदर जो पसीना निकलता है या जो वेस्ट पदार्थ निकलते हैं उसमें सोडियम और पोटेशियम की हानि होती है, तो इसलिए इस हानि को पूरा करने के लिए हमें रोगी को जो सूप वगैरह देते हैं उसमें नमक डालकर देना चाहिए। तो इसमें हम क्या दे सकते हैं कि फलों का रस है, सब्जियों का रस है, या दाल का सूप है, या दूध है, ऐसी चीज़ें दे के हम जिनके अंदर पोटेशियम या सोडियम की मात्रा होती है वो दे के हम खनिज लवणों की जो मात्रा है वो पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन। तो विटामिन जो है जब बुखार की स्थिति में विटामिनों की जो है अतिरिक्त आवश्यकता होती है, जैसे विटामिन सी जो है हमें रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, तो इसलिए विटामिन सी की वाले पदार्थ हमें ज़्यादा देने चाहिए। और क्या होता है कि बुखार की स्थिति में रोगी को एंटीबायोटिक दिए जाते हैं तो उस टाइम जो है विटामिन बी समूह की आवश्यकता भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब एंटीबायोटिक दिए जाते हैं शरीर को तो हमारा शरीर विटामिन बी का निर्माण नहीं करता। नेक्स्ट है जल। कि मूत्र के द्वारा जो व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन होता है उसके साथ, या त्वचा के द्वारा जैसे पसीने के रूप में जो है पानी की मतलब हमारे शरीर से काफ़ी निकल जाता है, तो इसलिए बुखार की स्थिति में क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 3 से 5 लीटर तक तरल पदार्थों उनको देने चाहिए।